Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून क्लास। तो अभी हमने लास्ट क्लास में हमने मेजरमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना था। इस क्लास में हम देखिए जानेंगे कि जो मेजरमेंट्स जो हम करते हैं इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके जो मेजरमेंट्स जो हम करते हैं उसमें जो एरर्स आती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। वो किस किस प्रकार की एरर हो सकती हैं और कितने तरह की एरर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एरर्स क्या होती है, जो भी हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज़ हो, अगर हम कोई भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं तो ये कंपलसरी तो नहीं कि हम एकदम एक्यूरेट मेज़र कर रहे हों। उसमें कुछ तो एरर्स आ रही होंगी किसी के थ्रू, या तो उसमें हमारी कुछ दिक्कत होगी, या हमसे प्रॉपर वो परफॉर्म ना हो पा रहा हो, या हमारे कुछ सिस्टम की दिक्कत होगी, सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स प्रॉपर वर्क ना कर रहे हों, या इन्वायरमेंटल का असर हो, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, कंपोनेंट्स पे बहुत प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कुछ कुछ एरर्स, पॉइंट्स एरर, 0.1%, 0.2%, 0.01%, तो कुछ भी टाइप्स की जो एरर्स किसी भी सिस्टम में आती ही आती है। हम कोई भी सिस्टम प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट्स में जो जो हमारी एरर्स आती हैं, तो वो एरर्स देखे क्या हो सकती हैं, एक तो आपकी हो गई ह्यूमन एरर, एक हो गई आपकी सिस्टम एरर, एक हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर, ठीक, एक हो गई आपकी लिमिटिंग एरर। अगर हम फर्दर ही उसको फर्दर और क्लासिफाई करें सिस्टम एरर को, तो फर्दर सिस्टम एलिमेंट्स, सिस्टम एरर आपके फर्दर थ्री पार्ट्स में और डिवाइड होते हैं। किसमें? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर या ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक। अब हम ये जाने कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये ह्यूमन एरर के बारे में, ठीक, कि आखिर ह्यूमन एरर होते क्या है। ह्यूमन एरर जैसे देखिए ये होता है कि जैसे अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, अगर उसमें हमारी जो केयरलेसनेस है, हमारी केयरलेसनेस की वजह से उसमें जो भी एरर्स आ रही हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम उसको लें, तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें ये क्या होता है कि अगर हमको उसमें रीडिंग आ गई आपके मेजरमेंट में 225 वोल्ट, सिस्टम में आपको वहां पे 225 वोल्ट शो कर रहा है, पर कोई भी तरीके की जैसे टेंशन होती है, कुछ भी हुआ, जैसे भी ओवरसाइटनेस हो गई, कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई भी वजह से, अगर हम इसको 225 की जगह हमने जल्दी जल्दी में हबड़ तबड़ में इसको रीडिंग लिख ली 215 वोल्ट, 10 वोल्ट का अंतर आया, किसकी किसकी वजह से? हमारी वजह से, ह्यूमन की वजह से, ठीक। अब किसी पर्सन ने वहां पे देखा 215 वोल्ट, उसने दूर से देखा, उसको ये चीज दिख गई, अगर उसने अपने मेजर मतलब उसने अपने रीडिंग में लिख दिया 21.5 वोल्ट, उसने पॉइंट लगा दिया, होता है, हो सकता है, मतलब हम लोग के द्वारा भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी एरर है, 225 कहां 225 आ रहा है, उसको 215 बना दिया किसी ने उसको 21.5 बना दिया, तो काफी डिफरेंस आया ना उसके बीच में, काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो यही चीज टाइप्स की एरर्स होती हैं, ह्यूमन एरर, जो हम लोग के द्वारा की जाती हैं। जैसे हम लोग प्रॉपर, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता उस चीज में, केयरलेसनेस हमारी होती है, तो उसकी वजह से एरर्स आती हैं, ह्यूमन एरर्स, ठीक। अब हम आते हैं सिस्टम एरर। सिस्टम एरर्स क्या हो सकते हैं? सिस्टम एरर्स मान के चलिए जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक, जैसे एमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हुआ, कोई भी कंपोनेंट जिसके थ्रू भी हम मेजरमेंट करते हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा जिसके थ्रू हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर उसमें क्या होता है, सिस्टम एरर्स को वही हम बता रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या हो सकते हैं? अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत रफ ट्रीट करें, रफ ट्रीट मान के चले, जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट्स को मतलब प्रॉपर वे में ना रखे, हमने ऐसे फेंक के रख दिया, जैसे प्रॉपरली हम लोग अपने घर में करते होंगे, मोबाइल फेंक के फेंक दिए, रख दिए, या कुछ भी चीज उठा के हमने फेंक के रख दिया,
इंस्ट्रूमेंटल क्या होते हैं, तो उसमें जो हमने फेंका उससे जो गिरा जमीन पे या कहीं भी गिरा तो उसके कंपोनेंट्स कुछ हिल गए, इनकेस कुछ हिल गए तो खराब आएंगे ना, उस चीज में कुछ तो एरर आ जाएगी। जैसे हमने पटक के कुछ रख दिया, कंपोनेंट सोल्डिंग आयरन से मतलब सोल्डिंग आयरन के थ्रू सब कनेक्टेड होते हैं, किसी का सोल्डिंग छूट गया या कोई कंपोनेंट उसमें हिल गया तो वो उसकी वजह से जो एरर्स आएगी वो हो गई इंस्ट्रूमेंटल एरर। वो भी हमारे द्वारा है, ऐसा नहीं है, या तो कोई कंपोनेंट्स पड़े पड़े काफी, जैसे बहुत काफी टाइम हो गया कंपोनेंट्स उसमें हीट हो रहा है, काफी हीट हो रहा है, रेजिस्टेंस है हीट हो रहा है, कुछ ज्यादा हीट हो गया, रेजिस्टेंस आपका उड़ गया हीट की वजह से, मतलब उसने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अगर बियर कर लिया वो वहां पे शॉर्ट हो गया, तो उससे भी एरर आएगी। वो भी किस में आएगी? आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगी वो भी एरर। और उसमें और क्या हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल में? हम मतलब प्रॉपर इसमें मान चलिए कि कोई भी, जैसे अगर हम किसी भी कंपोनेंट्स का रफ ट्रीटमेंट अगर करते हैं, रफ ट्रीट करते हैं, तो उसका एरर इसके ऊपर आएगा ही आएगा, वो हो गया इंस्ट्रूमेंटल, जो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एरर आ रही है। ठीक, उसमें आई अब इन्वायरमेंटल एरर। अब इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है? इन्वायरमेंटल एरर वो होते हैं जैसे कोई भी कंपोनेंट्स होते हैं, देखोगे हम लोग के अगल बगल टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक, कुछ कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर की वजह से, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, वाष्प आ जाना, ठीक है, जैसे गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म आप रखिए कुछ चीज कंपोनेंट्स को। अभी आप जैसे मान के चलिए अगर आपने किसी भी कंपोनेंट्स को एकदम चिल्ड एसी में रखा हुआ है, ठीक है, अब वो उसकी उस समय की कंडीशन क्या है कंपोनेंट की? एकदम ठंडी है, कोल्ड है एकदम, ठीक है, एकदम कोल्ड है, एकदम ठंडा हो गया एकदम प्रॉपर वे में। अचानक उसने आपने क्या किया कि आपने उसको एसी से निकाल के किसी भी मतलब ठंडी जगह से निकाल के एकदम गर्म जगह रख दिया जहां पे एकदम धूप आ रही हो, एकदम एकाएक धूप पड़ रही हो, तो वहां पे क्या आएगा उस कंपोनेंट में? एक तो अंदर से वो एकदम ठंडा, ऊपर से अचानक उसको धूप मिली, हीट आया, जब हीट आई तो उसमें क्या हुई, ह्यूमिडिटी बढ़ी, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा तो उसमें जो वाष्प बना, वाष्प उसमें आया तो कुछ कंपोनेंट्स पे वाटर का उसमें वाटर्स गए, मतलब जो वाष्प का जो वाटर्स होते हैं वो कुछ कंपोनेंट्स पे गए, उसकी वजह से कुछ कंपोनेंट्स आपके खराब हो गए, तो वो किसकी वजह से आए? इन्वायरमेंटल एरर की वजह से आए, जो हमारे अराउंड में टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से जो हमारे कंपोनेंट्स पे इफेक्ट आ रहा है उसको हम लोग इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। ठीक है, अब आइए ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या हो सकता है? ऑब्जर्वेशनल एरर को हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर कोई भी चीज को मतलब जैसे हम अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर वो हम प्रॉपर उसको ना समझ पाए या ना देख पाए, अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर उसको हम समझेंगे तो उससे बहुत तेज आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम जैसे लें कि वो जैसे कोई एनालॉग मीटर है, एनालॉग मीटर है आपकी, ठीक, ये हो गया आपके एनालॉग मीटर, मान लीजिए ये हो गया आपका पॉइंटर, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया, मान के चलिए ये हमारा एनालॉग मीटर है। ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या होता है कि इसके सामने क्या होती है, एक स्क्रीन होती है, मतलब ग्लास होता है, ये ग्लास के हमेशा अंदर होता है एनालॉग, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम इसको साइड से खड़े होकर देख रहे हैं, जैसे हम अभी इस मीटर के लेफ्ट साइड खड़े होकर अगर हमने पॉइंटर देखा तो हमको यहां से पॉइंटर क्या नजर आएगा, ये पॉइंटर हमको हल्का सा थोड़ा आगे की ओर हल्का टिल्ट नजर आएगा, मतलब ये हमको थोड़ा सा ये नजर आएगा पॉइंटर अगर हम लेफ्ट साइड से इसको देखेंगे, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन का इसमें असर पड़ रहा है, तो ये हमको वैल्यू क्या दिखी यहां पे 3.1, हमने मेजर कर लिया 3.1, एक पर्सन ने यहां खड़े होकर मीटर रीडिंग ली, उसने मेजर किया 3.1 डायरेक्ट आई, ठीक। अब कोई पर्सन उसके राइट साइड खड़ा है, अराउंड में खड़े हैं कई लोग, तो उसके एक पर्सन राइट साइड में खड़ा है, अब राइट साइड वाला पर्सन क्या कर रहा है, उसको यहां से उसने देखा, वो थोड़ा और साइड हुआ,
उसको रिफ्लेक्शन में क्या दिख रहा है, ये पॉइंटर उसको थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट, थोड़ा सा और इधर दिख रहा है, थोड़ा डिफ्लेक्ट दिख रहा है। तो मतलब उसने यहाँ पे उसको रीडिंग साइड साइड से पैरेलल, मतलब जो रिफ्लेक्शन से आ रही है, उसने यहाँ पे क्या पॉइंट लिखी इसकी, मान लीजिए इसने लिख दिया 2.8 यहाँ पे आ रहा है, और कोई पर्सन इसके फ्रंट टू फ्रंट सामने से इसको अगर देख रहा है तो वो क्या इसको मेजर करेगा, 3। तो बताइए ये आपकी करेक्ट वैल्यू हुई 3। एक पर्सन ने 3.1 लिया, एक पर्सन ने 2.8 लिया, किस वजह से, ऑब्जर्वेशनल एरर की वजह से। हमने जो होता है ना पैरेलल्स जिसे कहते हैं, पैरेलल से सामने 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 अगर देखना, वो हो गई आपकी ये एरर। उन दोनों के बीच के जो एरर्स आ रहे हैं, जैसे किसी ने एक एरर लिया 3.1 लिया, तो 0.1% 0.1 का एरर इसमें आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है 0.2 का एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, इस चीज को कहते हैं। अगर अब हम समझें रिलेटिव एरर के बारे में, देखिए तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इसमें एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर क्या होते हैं। पहले अब इसमें हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर वो होता है जो हमारी मेजरिंग वैल्यू है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब जो वैल्यू हमने मेजर की और जो उसकी ट्रू वैल्यू थी, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। मतलब जैसे अभी हमने पैरेलल्स में देखा था, क्या था, मेजरिंग वैल्यू कितना हमने की थी 3.1 और ट्रू वैल्यू उसकी क्या थी 3। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या आ गई आपकी 0.1, ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। अब हम ये कहें कि इसमें रिलेटिव एरर क्या होता है। अब रिलेटिव एरर इसमें क्या हो सकते हैं, रिलेटिव एरर वो होता है कि रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, मतलब रेशियो ऑफ, ये हो गई आपकी रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, ठीक, ये हो गई आपकी रिलेटिव एरर, इन दोनों के बीच का रेशियो। अब आते हैं हम लोग लिमिटिंग एरर पे। लिमिटिंग एरर क्या होते हैं, लिमिटिंग एरर वो होते हैं जैसे कोई भी सिस्टम, कोई भी जो कंपनीज होती हैं, वो जो भी कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उस कंपोनेंट्स की वो कुछ लिमिट सेट करती हैं। जैसे मान के चलें कि कोई अगर 100 ओम की एक रेजिस्टेंस है, तो कंपनी क्या सेट करेगी कि उस कंपोनेंट्स की मैक्सिमम आउटपुट देने की क्षमता 100 ओम है, ठीक। पर अगर हम उसको मेजर करते हैं तो कुछ उसमें एरर्स आती हैं, जो हो गई मान के चले प्लस माइनस 5 ओम की एरर। किसी भी कंपनी ने सेट किया कि लिमिटिंग एरर उसकी 100 ओम है, अगर उसमें मेजर करने पे आ रहा है क्या इतना प्लस माइनस 5 ओम का एरर आ रहा है, तो ये कितने के बीच में वेरी कर रहा है, 95 ओम से 105 ओम के बीच में, ठीक। तो कंपनी ने सेट किया उसका लिमिटिंग वैल्यू 100 ओम, पर आया कितना, कुछ उसमें अंतर क्या हुआ, 5 थोड़ा कम आ गया, या 97 आ गया, 98 आ गया, कुछ कम आ गया, थोड़ा बढ़ गया उस पे, 105 चला गया। तो ये जो बीच की जो एरर्स आ रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग एरर, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं उसके स्टैंडर्ड्स, मिरर्स मेजरमेंट्स के स्टैंडर्ड्स। हाँ तो क्लास, तो अब देखिए आइए इसमें हम देखते हैं स्टैंडर्ड्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं आपके,
ठीक है, उसको चेक कौन करेगा, जहां से वो बन रहे हैं उसको चेक किए जाते हैं, तो वो होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में चेक किए जाते हैं। कैसे, कहां पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो कहां है, फ्रांस में। यहां पे क्या होता है कि बेसिकली कंपोनेंट्स को जांच की जाती है और कंपोनेंट्स को रेगुलरली चेक किया जाता है, और ये चेक किया जाता है किसके, साइंटिफिक तौर पे, और ये साइंटिफिक तौर पे ही पॉसिबल है सिर्फ, और नहीं, ये लोग साइंटिफिक तौर पे उस कंपोनेंट्स के मेजर करते हैं, उसकी रीडिंग सेट करते हैं और उस पर उतना कॉन्टिन्यूसली नजर रखना, ये काम इनका ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अलग अलग स्टेट, मतलब अलग अलग नेशंस के, ये तो हुआ आपका इंटरनेशनल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, और ये हो गया आपका नेशनल, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो कि कहाँ पे है आपका, वॉशिंगटन में। ठीक, तो जो होते हैं ना नेशनल, मतलब अपने अपने कंट्रीज में, जैसे अपने यहाँ न्यू दिल्ली में है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज, न्यू दिल्ली में है, क्या करेगी जो भी वो कंपोनेंट्स हैं, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स जाते हैं उसका रेगुलरिटी चेक करना उसका। उसी तरह सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में वो आते हैं जो प्राइमरी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो चेक होके आए हैं उसका कंपेरिजन करना ट्रू से, मतलब जो ओरिजिनल है उसका प्राइमरी से कंपेरिजन करना। और वर्किंग स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड्स वो होते हैं कि जैसे अगर हम किसी चीज की, किसी चीज को मापने के लिए हम उसी को इस्तेमाल करें, जैसे कोई अगर हमको रेजिस्टेंस नापना है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज करेंगे इस रेजिस्टेंस को नापने के लिए। ठीक है, मतलब कंपेयर करते हैं खुद से उनको, सेम जैसे किसी भी इंडक्टर को, जैसे अगर हमको मतलब देखना है कि उसकी क्या वैल्यू है, क्या रीडिंग्स है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड इंडक्टर यूज करेंगे, किस लिए, जिससे हम इंडक्टर को पहचान सके, कंपेयर करना आपस में, तो ये हो गए वर्किंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है क्लास, तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग उसमें और आगे पढ़ेंगे।